हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ परवल की बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी और शाही सब्ज़ी। इसके लिए मैंने लिए है परवल। परवल के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है जो आगे हम लोग वीडियो बनाते हुए डिस्कस करेंगे। मैंने लिए आधा किलो परवल। उसके अलावा सब्जियों में मैंने लिए हैं एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ती, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, नमक और गार्निशिंग के लिए ये धनिया पत्ती है। उसके अलावा मसाले में मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले और ये है खड़ा धनिया 2 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, मूंगफली 2 टीस्पून, सूखा नारियल अराउंड 1 टीस्पून। खड़े मसाले आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, जावित्री और 2-3 काली मिर्च लिए हैं और ये है तेल। तेल मैंने फली का तेल लिया है, आप चाहो तो सरसों तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग काट लेते हैं परवल को। उसके लिए मैंने दोनों कॉर्नर्स कट कर लिए हैं। कट करके बीच में से इस तरीके से चीरा लगा रही हूँ। पूरा नहीं लगाना है, आधा ही लगाना है। उसके बाद उसके जस्ट अपोजिट साइड वहाँ से भी मैं इस तरीके से पहले बीच में से चीरा लगाऊँगी, फिर साइड से चीरा लगाऊंगी। हमें पूरा नहीं काटना है। आप चाहो तो परवल का छिलका भी उतार सकते हो, बट छिलके में काफ़ी ज़्यादा मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए मैं छिलका नहीं उतार रही। अगर आपको छिलका पसंद है, नहीं है तो आप उसका छिलका उतार लीजिए। इस तरीके से हमें सारे परवल काटने हैं दोनों साइड से, बीच में से अलग नहीं करना है। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों कॉर्नर काट के नीचे तक चीरा लगाना है, चीरा लगा के फिर साइड से भी चीरा लगाना है। बस आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, या आपको ऐसा नहीं पसंद है तो आप इसके 4 पीस भी करके सब्जी बना सकते हो, टेस्ट वैसे ही रहेगा। अब सारे परवल कट गए हैं। मैंने पैन रखा है, उसमें मैंने डाला है 2 टीस्पून मूंगफली। मूंगफली को डाल के मैं भून रही हूँ। यहाँ पे मैं मूंगफली, नारियल और धनिए का पेस्ट बना रही हूँ। आप चाहो तो खसखस और या फिर मगज की बीज का भी बना सकते हो, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छे से आएगा। उसके बाद मैंने सूखा नारियल, खड़ा धनिया और जीरा, खड़े मसाले डाल के अच्छे से खुशबू आते तक भून लिया है, या तब तक जब तक ये भून नहीं जाते। भून के मैंने एक प्लेट में निकालूंगी, फिर ठंडा करके मैं इनका पेस्ट बना लूँगी। आप चाहो तो काजू के पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन्हें मैंने निकाल लिया है। अब इसी पैन में मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल मैंने अराउंड 3 टेबल स्पून डाला है। ऑयल जैसे गर्म हो गया, उसमें मैंने डाले कटे हुए परवल। अब परवल को हमें मीडियम हाई फ्लेम पर पलटते हुए 75% तक कुक करना है, मतलब आधे से भी ज़्यादा। अब मैं इनको मिक्स करके ढक के थोड़ी देर और फ्राई होने के लिए रख दूंगी। ढकने से ये जल्दी पक जाते हैं। जब तक कि ये फ्राई हो जाते हम लोग बना लेते हैं पेस्ट। मैंने एक मिक्सी का जार लिया, उसमें ये सारी चीज़ें ठंडी हो गई, मसाले वाले मैं डाल के इसका फाइन पेस्ट बना लूंगी। अब मैं चेक कर रही हूँ, हमारे परवल काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ प्लेट में। प्लेट में निकाल के अब सेम इसी पैन में हम लोग बनाएंगे सब्जी। अब मैंने इसमें डाला है बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज डाल के मैंने इन्हें हल्का सा भून लिया है, जैसे ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए, उसके बाद मैंने इसमें डाला है बारीक कटा हरी मिर्च। हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग डालते हैं बारीक कटा टमाटर। टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब्ज़ी में काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है। इससे स्किन के जितने भी प्रॉब्लम है वो तो दूर होते ही है। परवल में जो बीजे होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक होती है। जैसे कब्ज की समस्या, उनके लिए भी ठीक है। इनफैक्ट जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए स्पेशली परवल खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा ग्राइंड किया हुआ पेस्ट, जो नारियल, मूंगफली और धनिया का है। डाल के हमें अच्छे से भुनना है। यहाँ पे मोटी तली की कढ़ी या नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल करना। यहाँ पे मैंने स्टील का इस्तेमाल किया है, इसलिए कढ़ी थोड़ी सी जल गई है। अब मैं इनको लगातार भून रही हूँ, अदरवाइज़ ये कढ़ाई में लग जाएगा, फिर उसके बाद जलने का स्मेल आएगा। अब ये अच्छे से भुन गया है, इसमें जितना मॉइस्चर था वो पूरा निकल गया। मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, उसके बाद मिर्च पाउडर। आप मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। डाल के मैं अब इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मसाला ऑलमोस्ट भुन गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई किए हुए परवल, जिसको हमने शिलो फ्राई कर लिया था। ये परवल की सब्जी बनने में थोड़ी सी टाइम लगती है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो पकने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। अब मैं इसको मिक्स करके ढक के 6-7 मिनट तक धीमी आंच पे ऐसे ही रहने दूंगी और बीच बीच में पलटते रहूँगी। अब मैंने ढक दिया है। मैं 6 मिनट बाद ढक्कन निकाल के चेक कर रही हूँ, परवल काफ़ी अच्छे से पक गया है। अब मैं इसको मिक्स करके इसमें मैं हल्का सा पानी डालूंगी। सबसे पहले मिक्सी के जार में जो मसाला लगा था उसमें मैंने आधी कटोरी पानी डाला है। डाल के वो पानी मैंने डाल दिया, डाल के मिक्स कर लिया। उसके अलावा मैंने 1 गिलास और पानी का इस्तेमाल किया है। मैंने अराउंड इसमें 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है।
आप मिक्स करके, मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जैसे चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पानी डालना। अब मैंने पानी डाल दिया है, पानी डाल के इसको और 4-5 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। उसके पहले मैंने इसमें डाला है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। नमक डाल के मिक्स करके मैं इसे ढक के पकने के लिए रख दूँगी। ये सब्जी से स्किन के तो फायदे है ही, साथ ही बच्चे जिनको भूख नहीं लगती उनको ये ज़रूर खिलाना, क्योंकि पेट में अगर कीड़े हो तो ये सब्जी खाने से मर जाते हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और चेक किया परवल पका है कि नहीं। यहाँ पे मैंने चेक किया है, परवल काफ़ी अच्छे से पक गया है। अगर आपका परवल नहीं पकता है तो ढक के 2-3 मिनट तक आप और पकाना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गर्म मसाला और बारीक कटा धनिया। डाल के मैं इसे मिक्स करके 1 मिनट बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये सब्जी रोटी चावल पराठा सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। जनरली बच्चे सिंपल परवल की सब्जी खाना पसंद नहीं करते, पर इसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है, तो इस तरीके से बना के खिलाओ, वो बहुत ही ज़्यादा चाव के साथ खाएंगे। अब हमारी सब्जी बन गई है, मैं इसे कर रही हूँ सर्व। अब आप भी ये टेस्टी परवल की सब्जी बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।